मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजद 12 जनवरी को तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर अपनी तैयारी पूरी तरह से तेज कर दी है। तेजस्वी यादव के दौरे को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता पलामू में 7 जनवरी को और कोडरमा में 8 जनवरी को प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देंगे। वहीं तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए राजधानी रांची को झंडे और पोस्टर से सजाने की योजना है। राजधानी रांची में 101 तोरण द्वार बनाए जाएंगे जो महापुरुषों के नाम पर होंगे। जिसको हम छूते हैं उन्नति करते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उन्नति करते हैं। जिसको हम छूते हैं उन्नति करते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उन्नति करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उसी में आपको सांस्कृतिक बजारा बजारा रहेगा, ये सब ठीक है जी। ठीक है, तो बोल रहे थे ज्वाइनिंग करा दीजिए, ज्वाइनिंग करा दीजिए, हम लोग चलिए आए। अच्छा मौका मिले, हाँ नेता जी आए रात में। क्या तैयारी है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का उप मुख्यमंत्री बनने का पहला कार्यक्रम झारखंड प्रदेश में रखा गया है, जिसमें 12 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका आगमन है। पूरे जोश उमंग के साथ कार्यकर्ता अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वागत में रात दिन जुटे हुए हैं, जिसमें 101 महापुरुषों के नाम से तोरण द्वार बनाया जाएगा और हवाई अड्डा से लेकर पूरे रांची तक जिला को बैनर पोस्टर से पाट दिया जाएगा। और दूसरा कार्यक्रम है कि कार्यक्रम के पहले हम लोग प्रदेश स्तर से सभी नेता लोग जाकर के प्रमंडल वाइज कार्यकर्ता को आमंत्रण देंगे, जिसमें पहला कार्यक्रम 8 तारीख को 8 फरवरी को कोडरमा जिला के मरकच्चो में पचखेरो डैम के पास में होने जा रहा है, जिसमें गिरिडीह, कोडरमा और रामगढ़ और जिला के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। भारी संख्या में जुटान है, हम लोग जो कर जा कर के आमंत्रण देंगे और सभी को 12 फरवरी को आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं पूरे झारखंड के लोगों को कि आवें, अपने नेता के भाषण सुने और उनका स्वागत अच्छी तरह से करें। देखिए, इस बार पहले नहीं, हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के शिष्य हैं और उनके बताए रास्तों पे हम लोग चलते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी ही शुरू से ही गरीबों, दलितों, पिछड़ों के पास जाते रहे हैं और घर घर में जाके उनका जो है दुख दर्द सुनते थे और उन्हीं के रास्ते पे चल के हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमारे जो वरीय नेता हैं झारखंड के, सब लोगों ने हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग हर घर में जाएंगे और जाके उनका दुख दर्द सुनेंगे और उसके बाद हम लोग आगे उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
कैसे निमंत्रण दे रहे हैं आप लोग सब आने का तेजस्वी यादव की सभा में? देखिए, चूंकि हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड में आ रहे हैं और वो पूरे देश का नेता है, सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश में उनका नाम है, अजूबा उनके पीछे पागल है। तो हम लोग जाके उनको, हमारा कर्तव्य है कि हर गांव में, हर घर में, हर कस्बा में बताना है कि हम आपके नेता आ रहे हैं, आप आइए और उनके भाषण को सुनिए और उनके बताए रास्ते पर चलिए। इसीलिए हम लोग डिसाइड किए हैं कि हर जगह जाके हम लोग, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले हैं, उनको हम लोग इसका निमंत्रण देंगे, इसकी सूचना देंगे, ताकि निमंत्रण देंगे तो उनको अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हमको निमंत्रण मिला है आने के लिए। इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया। पूरा देश आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस निगाह से देख रहा है। एक नौजवान जो देश में सबसे कम उम्र का नौजवान, जो इस देश के नौजवानों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा तय करने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं आदरणीय तेजस्वी जी, और हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग, नौजवान चाहे जिस भी वर्ग से आते हों, वो उनके कारगुजारियों से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। हम लोगों को, झारखंड के जनता को, झारखंड के नौजवानों को सिर्फ ये बताना है कि 12 फरवरी को रांची में आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी बातों को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लाखों की आबादी यहाँ जुटेगी, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश उनके टैलेंट से, उनके सोच से, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा और निश्चित तौर पर तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली बार इस राज्य का दौरा करेंगे, इससे इस राज्य का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाले भविष्य में तेजस्वी जी देश के नेता होंगे और इस राज्य के बारे में भी वो निश्चित तौर पे अच्छे रास्ते अख्तियार करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ की जनता उनका स्वागत करेगी। हम लोग पूरे तैयारी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनके जोरदार स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।